hello children how are you i hope you all are doing good children now i am going to narrate a very interesting story the selfish giant a story selfish giant is written by oscar wilde he was born in 1854 in ireland he was a good novelist poet and writer he died in 1900 in france every afternoon as they coming from school the children used to go and play in the giant's garden it was a large and lovely garden with soft green grass here and there over the grass stood beautiful flowers like stars and there were 12 peach trees over the grass but in the springtime broke out into delicate blossoms of pink and pearl and in the autumn bore rich fruits the birds sat on the trees and sang so sweetly that children used to stop their games in order to listen to them How happy we are here! They cried to each other. स्कूल से लौटते समय हर दोपहर में बच्चे गार्डन में खेलने जाया करते थे गार्डन में जो है ग्रीनरी थी चारों तरफ फ्लावर्स थे ब्यूटीफुल जैसे तारे चमकते हैं ऐसे वो फ्लावर चमकते थे ट्वेल्व पीच ट्रीज थे और जिनमें स्प्रिंग सीजन में सुंदर से पिंक और पर्ल फूल खिलते थे और ऑटम सीजन में उसमें फ्रूट्स आते थे चिड़िया उसमें बैठ के गाना गाती थी और बच्चे उस सीन को बहुत इंजॉय करते थे वन डे द जायंट केम बैक ही हैड बीन टू विजिट हिज फ्रेंड द कॉर्निश ऑगर एंड हैड स्टेड विद हिम फॉर सेवन ईयर्स आफ्टर द सेवन ईयर्स ही हैड सेट ऑल दैट ही हैड टू से एंड ही सेन टू रिटर्न टू हिज ओन कासल का महल किला वेन ही अराइव ही सॉ द चिल्ड्रन प्लेइंग इन द गार्डन जो जायट था वो अपने फ्रेंड कॉर्निश ओगर के वहां गया हुआ था और सेवन ईयर्स तक वो वहां पर रुका सात साल के बाद जब वो वापिस आया तो उसने क्या देखा उसके गार्डन में बच्चे खेल रहे थे वट आर यू डूइंग हेयर ही क्राइट इन अ वेरी ग्रफ वॉयस एंड द चिल्ड्रन रैन अवे बड़ी कठोर आवाज में उसने क्या कहा बड़ी भारी आवाज में कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो बच्चे डर के भाग गए माई ओन गार्डन इज माई ओन गार्डन सेट द जायट

किसी के एरिया में अगर बिना परमिशन के हम एंटर करते हैं तो इट मीन्स वी आर ट्रेसपासर्स विल बी प्रोसिक्यूटेड प्रोसिक्यूटेड सजा मिलना ट्रेसपासर्स विल बी प्रोसिक्यूटेड बिना परमिशन के जो एंटर करेगा उसको सजा मिलेगी उसको उसके अगेंस्ट में ट्रायल होगा ही वॉज अ वेरी सेल्फिश चाइंट द पुअर चिल्ड्रन हैड नाउ नो वेयर टू प्ले they tried to play on the road but the road was very dusty and full of hard stones and they didn't like it they used to wander around the high wall when their lessons were over and talk about the beautiful garden inside how happy we were there अब जब बच्चों के पास कोई भी चीज़ खेलने के लिए नहीं थी कोई जगह खेलने के लिए नहीं थी तो जब वो अपने लेसन्स उनके ओवर होते थे स्कूल से जब वो आते थे तो वॉल से जब वो उस गार्डन को देखते थे तो अपना ब्यूटीफुल टाइम उन्होंने वहां स्पेंड किया था उसको याद करते हैं और कहते हैं कि हाउ हैप्पी वी वर देर दे सेट टू ईच अदर देन द स्प्रिंग केम एंड ऑल ओवर द कंट्री देर वर ब्लॉजम्स एंड लिटिल बर्ड्स ओनली इन द गार्डन ऑफ द सेल्फिश जायंट इट वॉज अ स्टिल विंटर द बर्ड्स डिडेंट केयर टू सिंग इन इट एज देअवर नो चिल्ड्रन एंड द ट्रीज फॉर गॉड टू ब्लॉसम्स अब जैसे बच्चों को वहाँ एंटर करने से मना कर दिया गया था तो सबके गार्डन में जो है स्प्रिंग सीजन आया लेकिन जायंट के गार्डन में स्प्रिंग नहीं आया ना ही चिड़िया वहाँ पर जो है गाना गाने के लिए आई और ना ही वहाँ पर कोई फूल खिलें वंस अ ब्यूटिफुल फ्लावर पुट इट्स हेट आउट फ्रॉम द ग्रास बट वेन इट सॉ द नोटिस बोर्ड It was so sorry for the children that it slipped back into the ground again and went off to sleep. The only people who were pleased were the snow and the frost. Spring has forgotten this garden, they cried. So we will live here all the year round. The snow covered up the grass with her great white clock, and the frost painted all the trees silver. Now when not spring season niayata तो कोई भी फूल वहाँ पर नहीं खिले हुए थे एक फूल जो है बड़ी मुश्किल से एक फूल ऊपर आया था खिलने के लिए लेकिन जैसे ही उसने नोटिस बोर्ड देखा उसने बच्चों के लिए इतना बुरा उसको लगा कि दोबारा से वो ग्राउंड में चला गया अब उस गार्डन में केवल जो चीज़ें थीं वो क्या थी फ्रॉस्ट और स्नो उसके अलावा वहाँ पर कुछ भी नहीं था देन दे इन्वाइटेड द नॉर्थ विंड टू स्टे विद दैम एंड ही he was wrapped in furs and he rode all day about the garden and blew the chimney pots down. this is a delightful spot, he said. delightful. he said, we must ask the hail on a visit. so the hail came. kya was spring to nahi. फ्रॉस्ट और स्नो थे उन्होंने जो है नॉर्थ विंड को भी इन्वाइट कर दिया नॉर्थ विंड इतनी तेजी से आई कि उसने क्या करा जो चिमनी पॉट थे उनको भी वो उड़ा के ले गई अब वो जो नॉर्थ विंड थी उसको वो जगह बहुत पसंद आई उन्होंने हेल को भी बुला लिया हेल भी आ गई अब पूरा दिन वहाँ पर जो है क्या था हेल स्नो फ्रॉस्ट नॉर्थ विंड जिन्होंने सब कुछ वहाँ पर तोड़ कर दिया था सब कुछ वहाँ पर बर्बाद कर दिया था

टू एवरी गार्डन बट टू दायंट्स गार्डन इट गेव नन ही इज टू सेल्फिश हर हर जगह जो है ऑटम सीजन में गोल्डन फुट हुए लेकिन जायंट के गार्डन में नहीं हुआ वो बहुत ज्यादा सेल्फिश था इट सेट सो इट वॉज ऑलवेज विंटर देयर एंड द नॉर्थ विंड एंड दिल एंड द फ्रॉस्ट एंड द स्नो डांस अबाउट थ्रू द ट्रीज अब केवल स्नो स्नो फ्रॉस्ट नॉर्थ विंड यही सब वहां पर थे One morning, the giant was lying awake in bed when he heard some lovely music. It sounded so sweet to his ears that he thought it must be the king's musician passing by. It was really only a little linnet singing outside his window. But it was so long since he had heard a bird sing in his garden that it seemed to him to be the most beautiful music in the world. Then the hail stopped dancing over his head and the north wind ceased roaring and the delicious perfume came to him through the open casement. I believe the spring has come at last, said the giant and he jumped out of bed and looked out. अचानक उसने क्या सुना एक एक सुबह लिनट की सिंगिंग सुनी लिनट इज़ अ काइंड ऑफ अ बर्ड उसका गाना सुना तो उसके गाने को सुनते के साथ ही उसको ऐसा लगा कि शायद स्प्रिंग सीजन आ गया है क्योंकि चारों तरफ जो है बड़ा अच्छा एटमोस्फेयर उस समय हो गया था जो फ्रॉस्ट थी हेल थी वो सब गायब हो गई थी तो उसको लगा शायद स्प्रिंग सीजन आ गया वट डिड ही सी ही सॉ अ मोस्ट वंडरफुल साइट थ्रू अ लिटिल होल इन द वॉल द चिल्ड्रन हैड इन एंड दे वर सिटिंग इन द ब्रांचेस ऑफ द ट्रीज इन एवरी ट्री दैट ही कुड सी दॉ अ लिटिल चाइल्ड and the trees were so glad to have the children back again that they had covered themselves with the blossoms and were waving their arms gently above the children's heads wahan par kya dikhai diya unko bacche wahan pe khel rahe the jab usne hole se dekha to hole se usko kya dikhai diya ki bacche jo hai branches में बैठे हुए हैं और सारी branches जो है क्या हो गई हैं बहुत सुंदर जैसे पहले थी वैसे ही हो गई हैं और उनमें जो है बहुत जेंटली जो है वो अम, अपने हैंड्स को वेव कर रहे हैं बच्चों के चारों तरफ द बर्ड्स व फ्लाइंग अबाउट द ट्विटरिंग विद डिलइट एंड द फ्लावर्स वर लुकिंग अप थ्रू द ग्रीन ग्रास एंड लाफिंग इट वॉज अ लवली सीन ओनली इन वन कॉर्नर इट वॉज अ स्टिल विंटर चारों तरफ जो है बहुत सुंदर मौसम हो गया था बहुत सुंदर सुहावना एटमोसफेयर था फूल खिले थे और हर हरियाली दोबारा से आ गई थी लेकिन अभी भी एक कॉर्नर में अभी भी विंटर था वहाँ पर कुछ नहीं था It was the farthest corner of the garden and in it was standing a little boy. He was so small that he could not reach up to the branches of the tree and he was a small wandering all round it, crying bitterly. Now why did spring come there? Because in that corner there was a small child who was not able to walk on the tree. <background> The poor tree was still quite covered with frost and snow and the north wind was blowing and roaring about it. Climb up little boy said the tree and it bent its branches down as low as it could but the boy was too tiny. And the giant's heart melted as he looked out. How selfish I have been. Up giant aaya ki kiwo selfish tha. He said. Now I know why the spring would not come here. I will put that poor little boy on the top of the tree and then I will knock down the wall and my garden shall be the children's playground forever and ever. He was really very sorry for what he had done. अब उसको दुख हो रहा था कि उसने क्या कर दिया था अब उसने डिसाइड कर लिया था कि उसका जो गार्डन है वो सिर्फ बच्चों का प्ले बनेगा सो so ही crept डाउन स्टेयर्स एंड ओपन द फ्रंट डोर क्वाइट सॉफ्टली एंड वेंट आउट इन टू द गार्डन बट वेन द चिल्ड्रन सॉ हिम दे वर सो that दैट दे ऑल रैन अवे एंड द गार्डन बिकेम विंटर अगेन बच्चों ने उसको इस, जैसे ही उसको देखा वो भाग गए डर गए थे और भाग गए तो दोबारा से गा, जो गार्डन था वो क्या बन गया उसमें विंटर सीजन दोबारा से आ गया ऑनली द लिटिल बॉय डिडेंट रन फॉर इज आइज वर सो फुल ऑफ टीयर्स दैट ही डिडेंट सी द जायट कमिंग एंड द जायट स्टोल अप बिहाइंड हिम एंड टुक हिम जेंटली इन हिज हैंड्स एंड पुट हिम इन टू द ट्री एंड द ट्री ब्रोक एट वंस इन टू ब्लॉसम्स एंड द बर्ड्स केम एंड सैंग ऑन इट एंड The little boy stretched out his two arms and flung them around the giant's neck and kissed him. And the other children, when they saw that the giant was not wicked any longer, came running back, and with them came the spring. It's your garden now, little children, said the giant. And he took a great axe and knocked the down wall. And when the people were going to market at 12 o'clock, they found the giant playing with the children in the most beautiful garden they had ever seen. Giant जैसे ही आया उसने उस बच्चे को उठा करके उस पेड़ के ऊपर रख दिया जैसे ही रखा तो पेड़ भी दोबारा से हरियाली आ गई स्प्रिंग सीजन आ गया और जब उस बच्चे ने भी जो है अपने हाथ जाइंट के चारों तरफ डाल दिए उसकी गर्दन में डाल दिए ये सीन देखते के साथ ही सारे बच्चे दोबारा से वापस आ गए और दोबारा से उसके गार्डन में स्प्रिंग सीजन

जायंट उसको मिस कर रहा था क्योंकि उसने किस किया था जाइंट के गाल में वी डोंट नो आंसर द चिल्ड्रन हीज गॉन अवे यू मस्ट टेल हिम टू बी श्योर एंड कम हेयर टूमोरो सेट द जा बट द चिल्ड्रन से डिडेंट नो वेर ही लिव्ड एंड ही हैड नेवर सीन हेम बिफोर एंड द जायट फेट वेरी सैड बच्चों को नहीं पता था वो कहाँ रहता था कहाँ से आया था जायट जो है बहुत दुखी हुआ every afternoon when his school was over the children came and played with the giant he was very kind to all the children yet he longed for his first little friend and often spoke of him how i would like to see him he used to say about bacche garden me aate Vobi wo bhi enjoy karta tha lekin wo jo bachcha tha wala miss karta and he wanted to meet him years went by and the giant grew very old and feeble Fibble. He couldn't play about anymore. So he sat in a huge armchair and watched the children at their game and admired his garden. I have many beautiful flowers, he said, but the children are the most beautiful flowers of all. जाइंट जो है बूढ़ा हो गया था इसलिए वो आर्म चेयर में बैठ करके बच्चों को देखता था और बच्चे उसमें खूब इंजॉय करते थे और बहुत अच्छे अच्छे फूल उस गार्डन में खिले हुए थे वन विंटर मॉर्निंग ही लुक्ड आउट ऑफ हिज विंडो एज ही वॉज ड्रेसिंग ही डिडंट लेट द विंटर नाउ फॉर ही नो दैट इट वॉज नियरली द स्प्रिंग असली एंड दैट फ्लावर्स वर रेस्टिंग अब उसने क्या देखा था कि अब दोबारा से जो है विंटर सीजन आ गया था लेकिन उसे पता था कि ये थोड़े समय के लिए ही है जल्दी ही ये सीजन भी ओवर हो जाएगा और स्प्रिंग दोबारा से आ जाएगा और फिर फूल खिलेंगे सडनली ही रब्ड हिज आइज इन वंडर एंड लुक्ड इट सडनली वॉज अ मार्वलस साइट इन द फारदेस्ट कार्नर ऑफ द गार्डन वॉज अ ट्री क्वाइट कवर्ड विद लवली वाइट ब्लॉसम्स इट्स ब्रांचेस वर ऑल गोल्डन एंड सिल्वर फूट हांग डाउन फ्रॉम दैम एंड अंडर इट इज टूड द लिटल बॉय ही हैड लव कौन दिखाई दिया उसको वहां पर उस पेड़ के नीचे सफेद फूल खिले हुए थे सब जगह और उस सफेद फूलों के पेड़ के नीचे उसने वही छोटा बच्चा देखा डाउन स्टेयर्स रैन द जायंट इन ग्रेट जॉय एंड आउट इन टू द गार्डन ही हिस्ट अक्रॉस द ग्रास एंड केम नियर टू द चाइल्ड एंड वेन ही केम क्वाइट क्लोज हिज फेस ग्रू रेड विद एंगर एंड इज सेट हुथ डेयर टू वी

kilkanna marna nay answered the child but these are the wounds of love who are you said the giant and a strange awe fell on him and he knelt before the little child and the child smiled on the giant and said to him you let me play once in your garden today you shall come with me to my garden which is paradise paradise वन स्वर्ग एंड वेन द चिल्ड्रन रैन इन द आफ्टरनून दे फाउंड द जांट लाइंग डेड अंडर द ट्री ऑल कवर्ड विथ वाइट ब्लॉसम्स उस दिन उस बच्चे ने क्या कहा कि ये जो प्यार है, ये जो निशान है, ये किस चीज़ के हैं प्यार के तुमने उस दिन मुझे अपने गार्डन में खेलने दिया था आज मैं तुम्हें अपने गार्डन में लेके जा रहा हूँ वो गार्डन क्या है पैराडाइज है उस दिन जब बच्चे वहाँ पर आए तो जाइंट वहाँ पर डेड था और उसके ऊपर वाइट फ्लास उसके ऊपर वाइट फ्लार्स से वो कवर अप था तो देखा बच्चों आपने कभी भी जब हम किसी की हेल्प करते हैं और जो हम नेचर है बच्चे बच्चों से जब हम प्यार करते हैं तो भगवान भी हमारे साथ खुश होता है आई होप यू हैव इन्जॉयड द स्टोरी दिस इज़ टाइम टू रिवाइज यू कैन रिवाइज इट